स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रेगनेंसी क्या होता है एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। तो वहां पे क्या था, हमारा एक कंप्लीट बेबी बनके तैयार था, 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक टर्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट इज गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? ये वो पीरियड है, वो टाइम है जो 9 मंथ की पूरी प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। यानी कि 9 मंथ की पूरी प्रेगनेंसी को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? छोटा सा टर्म है बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट बात करते हैं आगे पार्चुरेशन के बारे में। हमने कहा कि क्या था, 9 मंथ कंप्लीट हो गए, बेबी क्या है, फुल्ली डेवलप हो चुका है, तैयार हो चुका है फॉर डिलीवरी, ठीक है। बेबी का फुल्ली डेवलप होने के बाद जो डिलीवरी का प्रोसेस है, ठीक है, क्या है, जो डिलीवरी का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। क्या होता है, जो डिलीवरी का प्रोसेस है एक फीटस का, उसी को हम कहते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। ये एक न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है। क्या है ये? एक न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरो एंड एंडोक्राइन, यानी कि जब किसी ऑर्गन सिस्टम की एक्टिविटी के लिए नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं हम न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। इन केस ऑफ पार्चुरेशन भी क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है एंड एंडोक्राइन सिस्टम है ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, और इसे हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। क्लियर है इतनी बात? नाउ अब बात करते हैं कि पार्चुरेशन के लिए कौन कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर पार्चुरेशन और डिलीवरी, ठीक है। सबसे पहला हॉर्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये हॉर्मोन क्या करता है, ये हॉर्मोन कॉज करता है लेबर पेन, क्या करता है, लेबर पेन कॉज करता है। ये क्या करता है, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, यानी मदर के यूट्रस में मायोमीट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, ठीक है, लेबर पेन स्टार्ट करता है, लेबर पेन करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, लेबर पेन प्रोड्यूस करना, ठीक है। साथ ही क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से क्या होता है, अब भाई यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होती है, ताकि क्या हो, जो बेबी है, फीटस है, वो सर्विक्स की तरफ क्या हो, नीचे की तरफ उतरे, ठीक है, इसीलिए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है इन यूटेराइन वॉल। क्लियर है बात? नंबर सेकंड जो हार्मोन आता है, नंबर सेकंड हार्मोन आता है रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है मदर की पेल्विस को वाइब करना, ठीक है। मदर के पेल्विस को वाइब करना जरूरी क्यों है, ताकि इजीली फीटस मूव कर सके, ठीक है, यूट्रस से सर्वक्स की तरफ और बॉडी से इजीली आउट हो सके, ठीक है। क्या करता है ये, वाइट मदर्स पेल्विस। क्लियर है इतनी बात? तो ये दो हार्मोन हेल्प करते हैं फॉर द पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन में ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन हार्मोन हेल्प करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल, एंड रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, पेल्विस को वाइड करने में हेल्प करता है। नाउ अब समझते हैं कि पूरा ये मैकेनिज्म होता कैसे है, पूरा पार्चुरेशन का एक मैकेनिज्म कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसे इनिशियल से समझ के चलते हैं शुरू से।
कंप्लीट हो गए हैं, बेबी पूरा तैयार है। नाउ अब क्या होता है, 9 months कंप्लीट होने के बाद जो फीटस है, ठीक है, साथ ही साथ जो प्लेसेंटा है, ये क्या करता है, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, क्या करेगा, बहुत हल्का सा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, यानी कि क्या है, ये फीटस क्या कर रहा है, कुछ ऐसे रिफ्लेक्स सेक्शन क्रिएट कर रहा है जिससे कि क्या हो, वो बॉडी से आउट हो, वो अपने आप को बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हुआ, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, बहुत माइल्ड था। ठीक है, ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है। ठीक है, क्या करता है, ये ट्रिगर करता है मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड है तो कुछ हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्शन ने मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर किया टू रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, टू रिलीज और सिक्रीट ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अभी मैंने बताया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का काम होता है मायोमीट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करना, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्लियर है इतनी बात, ये स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अब होने लग गया, मदर की यूटरस में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया। ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, वापस से क्या करता है, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है टू रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, क्या करता है, मदर की पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो अब मदर ने क्या किया, फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, अगेन क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। मतलब कि टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं। अगेन ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करते हैं, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन। अगेन इसी तरीके से क्या होगा, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फिर से क्या करेंगे, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, ये और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन से कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन मदर को मैसेज भेजेंगे। इस तरीके से क्या होता है, ये पूरा प्रोसीजर आपस में रिपीट होता रहता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो मदर की यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन थे वो बहुत ज्यादा होने जाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करते हैं, जो फीटस है उसको सर्विक्स की तरफ पुश करते हैं। क्लियर है इतनी बात। साथ में क्या था, जो रिलैक्सिन हार्मोन था वो हेल्प कर रहा था पेल्विक को क्या, वाइड करने में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, पार्चुरेशन और डिलीवरी ऑफ फीटस। ठीक है, फाइनली क्या होता है, फीटस डिलीवर्ड हो जाता है। क्लियर है इतना, तो ये है हमारा पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, और नाउ नेक्स्ट आपका आता है लैक्टेशन। ठीक है, हमें पता है क्या होता है कि लैक्टेशन क्या होता है, मदर में मिल्क का बनना। ठीक है, मिल्क कब बनता है, जब प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ टाइम पहले ही जब डिलीवरी होती है उससे कुछ टाइम पहले ही मदर की बॉडी क्या करती है, मिल्क बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जो मदर में मिल्क का फ्री फ्लो होता है वो आफ्टर डिलीवरी ही होता है। ठीक है, ये मदर मिल्क क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेबी को फीड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी बेबी
नया नया बॉर्न हुआ है तो वो कुछ खा पी तो नहीं सकता है ना, कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो क्या है, मदर मिल्क उसके लिए सबसे सेफ है। इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, फैट प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होती है, वो सब कुछ प्रेजेंट होता है जो एक बेबी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनिशियली में जो मदर का मिल्क होता है, जो शुरू के कुछ दिनों में मदर का मिल्क होता है, वो येलो कलर का होता है। ठीक है, इस मिल्क को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, येलो कलर का क्या होता है, इनिशियल वाला मिल्क होता है। ठीक है, ये बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। क्यों न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैलोरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो एक बेबी को क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। क्लियर है, साथ ही साथ इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो बेबी को इनिशियली डिफरेंट डिजीज से फाइट करने में हेल्प करती है। ओके, तो इसीलिए ये जो इनिशियल मिल्क होता है कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बेबी के लिए। इसीलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि बेबी को इनिशियल में फीड जरूर करवाएं। राइट, तो ये है हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। अगर समझ आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और